केचुआ खाद लेने, मतलब वर्मी कंपोस्ट लेने फील्ड हम डालने के लिए। इधर लगा है गेहूं का प्लांट जिसे फील्ड हम लगाया जाएगा कुछ दिनों बाद। तो यहां से जाना है हम लोग को वर्मी कंपोस्ट लेने। तो ऐसे रास्ता से होकर जाना पड़ता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो ये है जियोला बैक्टर, इसे धान के खेत में डालते हैं। हाँ, धान में डालते क्या? गाय खवा। अच्छा, गाय खवाए घर। के दिन में बन जाते हुए? अच्छा, भूसा साथ में गाय को खिलाने के लिए है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ से कुछ ऐसा बनता है वर्मी कंपोस्ट, फिर इसे छानना पड़ता है। यहाँ से कुछ इस प्रकार निकलता है छनकर। और यहाँ पे खुशी बेग बहुत ही अच्छा स्टाइल से पोस्ट मारते हुए। ये मशीन के नाम का है लगाने वाला, बता दे। हाथ को छानने वाला छन्नी क्या है? तो आपको कैसा लग रहा है इस गड्ढे में काम करके? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी किए हो ये सब काम? घर में किया। अच्छा, क्या काम किए हो घर में? घर में भी यही काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो हम लोग इरिगेशन के लिए बोर से जो पाइप है वो कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये रहा बोर, यहाँ से हमारे हम लोग के फील्ड में डायरेक्ट पानी जाए। जय जवान जय किसान संगवारी हो। तो एमला मिले है, कौन सा मिले है भाई टॉपिक तुम? आलू भाई। अच्छा, आलू ये लोग उगाएंगे आलू इस फील्ड में। तो आलू के बारे में कुछ बताएगा, कौन सा वेरायटी है ये आलू का? अच्छा, देसी वेरायटी है। और ये बाल्टी में क्या क्या की हो? बाल्टी में पंजी साइड है। अच्छा, पंजी साइड है। अच्छा, नाम क्या है पंजी साइड का? पंजी साइड का नाम अच्छा, ये वाला फंजी साइड है। तो काम कैसे करते हैं फंजी साइड में? क्यों डुबोते हैं इसको? आलू को डुबो के रखना पड़ता है ताकि हाँ ट्यूबर का डिसीज ना फैले। अच्छा, ट्यूबर की डिसीज ना फैले, इसलिए फंगस ना लग जाए। अच्छा, फंगस ट्रीटमेंट कर, सीट ट्रीटमेंट कर रहे हो ना इसको? फिर डायरेक्ट फील्ड में काट कैसे लगाओगे उसमें डुबो के? रो बनाएंगे या 30x10 का रो बनाएंगे। अच्छा, ये वाला फील्ड है ना तुम लोग का? बहुत बढ़िया। तो ये लोग लगा रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं पालक भाजी है इन लोग का टॉपिक है। कौन सा वैरायटी है पालक का पता नहीं, और लगा रहे हैं ये लोग पालक। क्या जानते हो पालक के बारे में? ये हम लोग का नितेश भाई लगा रहा है। कौन सा प्लांट लगा रहा है भाई? अच्छा, मूली का प्लांट लगा रहे हैं नितेश भाई अपना, देख रहा हूँ कैसे। हम लोग आए शिवराम भाई के प्लांट में, ये कुछ वर्क कर रहा है। तो क्या क्या प्लांट लगा है भाई इसमें? बॉटल गार्ड। अच्छा, बॉटल गार्ड मतलब? बॉटल गार्ड मतलब कि लौकी। अच्छा, इसमें लगा है लौकी, देख रहा हूँ कैसे लगा है लौकी। यहाँ साइड साइड में लग रहा है मक्का, देख रहे हैं। वाह, जोंधरी नो। Thank you.
तो बताइए भानु, इसमें क्या लगा हुआ, कौन सा करा? हम इसमें मोहरी का चरण सिया, जिसे नॉर्मल भाषा में करेला बोलते हैं, वो लगाने वाले हैं। अच्छा, इसमें रो तो रो से रो की दूरी 15 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा से हम लोग ने फील्ड तैयार। तो हमारा कुलदीप भाई का फील्ड है ये, और ये डाल रहा है खाद। कौन सा खाद है भाई? एनपीके, यूरिया, पोटास और पी। अच्छा, ये डाल रहा है। हम लोग रामेश्वर और छोटू यादव के फील्ड में, तो ये लोग लगा रहे हैं अपना भिंडी। कौन सी वैरायटी है भाई भिंडी का? उषा हरबी। तो कैसे लगाते हैं इसको, मेथड बताओ। कितना लगा रहे? 60 सेंटीमीटर, 60x60 का। अच्छा, और कितना बीज लगा रहे हो इसमें? हम 3 बीज एक एक में लगा रहे हैं। तो 3-3 बीज लगा रहे हो ना? इससे क्या है, 50-50 चांस रहता है पूरे बीज का उगने का। खाद वाद डाल ली हुई? खाद वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। और वो एनपीके? एनपीके अभी डालेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इरीगेशन करो। इरीगेशन और हमारे साथ छोटू इसका। छोटू तू कुछ बताएगा भाई, तेरे को ये टॉपिक मिला है तो कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। कैमरा की तरफ देखे, लाइन शोइंग हो रहा है हमारा। अच्छा, तो और कुछ बोलना चाहेगा भिंडी के बारे में? सब्जी कैसा लगता है भिंडी का सब्जी? दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। जो पिछले वाला वीडियो जो YouTube में अपलोड किया हूँ, उसमें खाली फील्ड प्रोवाइड किए गए थे हम लोग को, और आज इसमें बहुत सीड शोइंग किए हैं। बहुत से सीड्स है जो अपने अपने हिसाब से शोइंग किए हैं, और बाकी का जिनको ट्रांसप्लांटिंग करना है, पहले पौधा तैयार करना है, उन लोग इवनिंग में आएंगे और अपना अपना जो 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 प्लांट मिला है, गोभी वगैरह, उसका प्लांटिंग करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।